हेलो फ्रेंड्स, आज सभी जानते हैं कि आज हम लोग मतलब आरा से विंध्याचल माई के पास जाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और इसलिए इस प्रकार से आरा जंक्शन का आपने लोकेशन देखा और ये आपके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारी फैमिली जो है गाड़ी का वेट कर रही है। और फाइनली आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दूँ कि हमारे साथ कौन कौन, हमारी माँ है, बहन है, भाभी है और उनके बाल बच्चे हैं और मैं हूँ, और साथ ही साथ अनी की मम्मी भी है और ये अनी जली है। और साथ ही साथ मैं दिखा दूँ आपको सारा मतलब घुमा घुमा करके और इस प्रकार से आप लोगों को समक्ष में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अनी की मम्मी है, आप लोग देखे होंगे, हम लोग का बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हो तो भी देख सकते हैं। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको अनी को। तो ये अनी है, आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से अनी बैठी हुई है और कुछ खा रही है। और इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि हमने ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन में देखिए यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, लेकिन हमारी सीट मिली हुई थी। तो देखिए वहाँ पर मम्मी सोई हुई है और यहाँ पे अनी सोई हुई है। तो फाइनली यहाँ पर हम विंध्याचल पहुँच चुके हैं और ये अनी अभी सोई हुई है, इसलिए इसको हम मतलब अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो विंध्याचल माया के पास का जो ये सीन है, विंध्याचल स्टेशन का जो सीन है, उसके बाहर का लोकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बाहर का लोकेशन। तो ये गंगा जी घाट है, आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जी घाट पर कितना भीड़ है। और इस प्रकार से गंगा जी घाट पर आप लोग आ करके यहाँ पर स्नान करके तभी दर्शन के लिए आप लोग जाइएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग गंगा जी आ चुके हैं और यहाँ पर स्नान कर लिया। और ये देखिए विंध्यवासिनी देवी मंदिर जाने का ये जो रास्ता है, मेन गेट है, इस प्रकार से आपको मेन गेट दिखाई देगा। विंध्यवासिनी गेट जो मंदिर है उसका मेन गेट है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इसी मतलब गेट के थ्रू आप लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो आप हम लोग भी इसी गेट से अंदर जाते हैं, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो इस प्रकार से अंदर का जो लोकेशन है गेट के अंदर का, जो ये बहुत सारा दुकानें खुली हुई है आपको प्रसाद के लिए, बहुत सारे जो दुकानदार आपको मतलब बुलाते हैं और वहाँ से प्रसाद लेकर आप लोग जाते हैं। तो आप लोग जो बैग वैग लाते हैं तो उनके दुकान पर रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर लाइन में लगने के बाद कितना भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग लाइन पर लगे हुए थे लेकिन भीड़ फिर भी काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो इस प्रकार से लाइन आगे हमारी बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से हम पहुंचने वाले हैं माता के दरबार में। और यहाँ मेन गेट के आसपास में हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए हम मेन गेट के अंदर मंदिर के परिसर अंदर में हम लोग आ चुके हैं। तो मंदिर के परिसर में आपकी जो भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिल रही होगी। इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ है, एक लाइन जाने का है तो एक लाइन आने का है। इस प्रकार से घूम घूम के अंदर जाने का रास्ता होता है। ये माँ का मंदिर है और इसी में हम लोग मतलब माता जी रहती हैं, तो इसमें हम लोग भी जाएंगे। इसके अंदर ये मेन गेट है माता जी का, इसके अंदर ही माता जी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए मैं मंदिर के मतलब माता जी के अंदर का जो दृश्य परिसर है उसमें से मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ मतलब वीडियो नहीं बना पाया अंदर में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये बाहर का लोकेशन है, माता जी का अंदर का, अंदर का जो आप देख सकते हैं मंदिर, इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देगा। तो फाइनली हम लोग मतलब विंध्याचल माया का दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब यहाँ पर सामान जो भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं अपने घर के लिए। तो इस प्रकार से जब औरत आती है तो ये सब मतलब खरीदती हैं, हमने तो नहीं खरीदना है, फिर भी मतलब आप लोग को मैं दिखा दिया। और ये फाइनली हम लोग गंगा घाट जो अष्टभुजी है ऊपर, वहाँ का दृश्य आप लोग को दर्शन दिखा रहे हैं। तो फाइनली आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।